क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 27 हमने शुरू किया था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। फर्स्ट पार्ट में हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे। अब सेकंड पार्ट में हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटोरियन गवर्नमेंट, यानि कि अधिनायकवादी सरकार या फिर एक छत्र सरकार। इन दिस फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, इस प्रकार की जो सत्ताधारी सरकार है उसमें अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल्स द होल कंट्री। जो एक सिंगल इंडिविजुअल या एक पर्सन होता है या फिर व्यक्तियों का जो दल होता है या ग्रुप होता है, वह पूरी देश को कंट्रोल करता है। दे ऑल्सो एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन लाइफ। और ये लोग होते हैं, ये जो किसी भी व्यक्ति के जो प्राइवेट और पब्लिक यानी कि जो संचार होते हैं उस पर सरकार का क्या होता है, दबाव होता है या उस पर वो नियंत्रक ये होते हुए हैं, और रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और लोगों के ऊपर स्वतंत्र रूप से किसी भी बात का या किसी भी टॉपिक पर विषय पर बोलने और एक्सप्रेशन के लिए उन पर प्रतिबंध लगे हुए होते हैं। जर्मन अंडर अडोल्फ हिटलर, जर्मनी में जब जो वहाँ का कौन था, अडोल्फ हिटलर था, इटली अंडर मुसोलिनी एंड सोवियत यूनियन अंडर जोसेफ स्टालिन वेयर टोटलिटेरियन स्टेट। जर्मनी में जब अडोल्फ हिटलर था तो इटली के जो मुसोलिन और सोवियत यूनियन थी वह किसके, वह जोसेफ स्टालिन के अंडर में थे, जो क्या थी, एक अधिनायकवादी राज्य थे। एक्सेप्ट फॉर द स्टालिन एरा, जो स्टालिन युग को छोड़ के विच कंटिन्यू टिल द 1950, जो कब तक चला, 1950 तक चला, द अदर एग्जिस्ट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और वह कब तक रहा, पहले रहा, कब एग्जिट करता था, इटालियन युग या फिर स्टालिन युग, स्टालिन युग कब तक रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तक। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वायलेंस एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मीडिया आर कॉमन फीचर ऑफ दिस स्टेट। जो लोगों के अत्यधिक हिंसा थी, लोगों के प्रति अत्यधिक हिंसा और पूरी तरह से कंट्रोल किस पर, मीडिया पर, यह इसके कॉमन फीचर्स थे, आम विशेषताएँ थी इन राज्यों की। रीसेंट डिक्टोरियर्स इंक्लूड, जो रीसेंट में जो हाल ही में जो एक छत्र या तानाशाह राज्य हैं, जैसे कि सद्दाम हुसैन ऑफ इराक, सद्दाम हुसैन ने कहा कि इराक के तानाशाह, निकोलियन सी सायुक ऑफ रोमेनिया, ये रोमेनिया के हैं, एंड किम जोन सेकेंड ऑफ नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह या राजा के रूप में कौन है, किम जोंग सेकंड है। नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री डिक्टोरियनशिप, यानी कि सैन्य तानाशाह। अ मिलिट्री डिक्टोरियनशिप इज अ फॉर्म ऑफ टोटलिटेरियन इन विच द मिलिट्री कंट्रोल्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट। जो सैन्य तानाशाह होती है वह सत्तावादी सरकार की एक फॉर्म है, जिसको जो सैन्य होती है, मिलिट्री होती है, जो सैन्य होती है वह पूरी जो राज्य है उसकी जो पूरी सत्ता है वह उनके पास रहती है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिव्स एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस टू द नेशनल, यह जो सरकार होती है वह राष्ट्रीयता को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देती है या सबसे अधिक महत्वता देती है। राइट्स ऑफ द पीपल लाइक राइट्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन, आदि लोगों के अधिकार, जैसे कि अपनी राय रखने का अधिकार, एंड टू फॉर्म यूनियंस आर डिनी टू पीपल, और टू फॉर्म यूनियन मीन्स होता है अपना दल बनाने का अधिकार, डिनाइड टू द पीपल, यही लोगों से छीन लिए जाते हैं, यही लोगों के पास नहीं होते हैं। द मीडिया एंड ज्यूडिशियरी ऑल्सो कंट्रोल बाई द स्टेट, और जो ज्यूडिशियरी मीडिया होती है, संचार होते हैं, और जो न्यायपालिका होती है उस पर भी इन लोग सैन्य का, मिलिट्री का कंट्रोल होता है या स्टेट का कंट्रोल होता है राज्य का। मैनी कंट्रीज इन साउथ अमेरिका की दक्षिण अमेरिका की बहुत सारे देश, अफ्रीका एंड एशिया हैव एक्सपीरियंस मिलिट्री
डिक्टोरियन सिप, इन लोगों ने सैन्य तानाशाही को एक्सपीरियंस किया है या देखा है। दीज गवर्नमेंट जस्टिफाई देमसेल्फ बाई आर्गुइंग दैट दे हैव ब्राउट अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन देयर कंट्रीज विच वर सीलिंग अंडर चोर। ये सरकारें होती हैं भाई अपने आप को अच्छा ऐसे साबित करती हैं कि वह कहती हैं कि हमने राजनीतिक स्टेबिलिटी या राजनीतिक स्थिरता को अपनी कंट्री में लाया है, और जो जहां पर रीलिंग अंडर चॉइस जहां पर अव्यवस्था फैली थी वहां पर उन्होंने राजनीतिक स्थिरता को लाया है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब होता है, मोनार्ची का मतलब होता है राजशाही, तो पूर्ण राजशाही। इन एन एब्सोल्यूट मोनार्ची द एब्सोल्यूट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ किंग और अ क्वीन। जो पूर्ण राजशाही होती है, सरकार होती है, उसमें जो पूरी पावर होती है वह किसके हाथों में होती है, एक राजा या फिर एक रानी के हाथ में रहती है। बीइंग अ हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कहाँ पे वंशानुगत चलती रहती है सरकार, पावर पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट इन द रॉयल फैमिली। जो राजशाही लोग होते हैं, मतलब जो राजा के लोग होते हैं या उनके लड़का होता है, तो यह उसके पास चलती रहती है, वन पर्सन से नेक्स्ट पर्सन उस रॉयल फैमिली के राजा बनते जाते हैं। द मासेस डू नॉट हैव अ से इन वे दे वांट टू बी रूल्ड बाई, और लोग इस बारे में कोई भी सलाह नहीं दे सकते। देयर आर नो अपोजिशन ग्रुप इन द गवर्नमेंट, कोई भी यहाँ पे अपोजिशन विरोधी ग्रुप या दल नहीं होता है सरकार के विरोध में। एंड थस द मोनार्च होल्ड अनलिमिटेड पावर, और जो राजशाही होती है वह पूरी की पूरी जो पावर है, अनलिमिटेड पावर है या सत्ता है, उनको पकड़े रहती है या उनके पास वह रहती हैं। मोस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्चीज हैव सिंबोलिक पार्लियामेंट, उनके पास केवल क्या होती है, सिंबोलिक पार्लियामेंट्स रहती है। बट दे कैन बी डिसॉल्व बाय द मोनार्क, लेकिन उसको वह किस में मिला लेते हैं, अपनी राजशाही में मिला लेते हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में कंट्रीज लाइक ब्रोनिया, कंट्रीज जैसे कि ब्रोनी हो गई, स्विट्जरलैंड एंड सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे कि मुनाई हो गई, स्विट्जरलैंड हो गया, और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रियाँ हैं वहाँ पर क्या है, पूर्ण राजशाही चलता है, यहाँ पर पूर्ण राजशाही की सरकार है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंस्टिट्यूशनल मोनार्की, जो हमारा कंस्टिट्यूशनल या संवैधानिक राजशाही। अ कंस्टिट्यूशनल मोनार्की ऑल्सो हैज अ किंग और अ क्वीन, जो संवैधानिक राजशाही होता है उसमें भी एक राजा या रानी होती है। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, भाई क्या होती है, सरकार की हेड होती है। बट अनलाइक इन एब्सोल्यूट मोनार्की, लेकिन वह पूर्ण राजशाही से बिल्कुल अलग होता है कंस्टिट्यूशनल मोनार्की। द कंस्टिट्यूशनल मोनार्च फंक्शन विथ इन अ रिटन और अनरिटन कंस्टिट्यूशन, जो संवैधानिक राजशाही होता है वह कार्य करता है किसके, उनके पास या तो लिखित या अलिखित संविधान होता है, उसके अकॉर्डिंग वह काम करता है। थस द पावर ऑफ द मोनार्च इज लिमिटेड, जो पावर होती है राजशाही के पास वह लिमिटेड रहती है। इन सच अ मोनार्ची, इस प्रकार के जो राजशाही में द पार्लियामेंट हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर रन्स द गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट होती है उसको कौन चलाता है, उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री चलाते हैं। द मोनार्क रिमेन्स अ सेरिमोनियल हेड, वह क्या होता है, एक तरीका से सेरिमोनियल हेड, उन सबका हेड होता है। एंड एज सर्टेन पावर, उनके पास कुछ पावर होती हैं विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो कब वह यूज़ करता है, आपातकाल की स्थिति में वह उन पावर्स को या उन शक्तियों को अपनी यूज़ कर सकता है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम हो गया, स्पेन हो गया, डेनमार्क हो गया, जापान, जॉर्डन, मोनाको एक्सेट्रा, ये सारी कंट्रीज हैं या देश हैं, हैव कंस्टिट्यूशनल मोनार्की, इनके पास क्या है, संविधानिक राजशाही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विच आर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ रिकोगनाइज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज देयर मोनार्क, दूसरी तरफ कंट्री हो गई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, बाय कॉमनवेल्थ रिकोगनाइज का एक पार्ट है, और जहाँ पर उन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन को अपना राजशाही माना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब होता है साम्यवादी सरकार। अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पार्टी। जै कैसे इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक सिंगल पार्टी या एक दल के द्वारा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जो क्या बनाता है, सरकार बनाता है। हियर इट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी विच रूल्स एवरी टाइम। यहाँ पर एक साम्यवादी पार्टी होती है जो रूल करती है, हमेशा शासन करती है। कम्युनिज्म प्रोपोनेंट्स अ क्लासिक क्लासलेस सोसाइटी। भाई क्या होती है, क्लासलेस समाज होता है। थस इन अ कम्युनिस्ट कंट्री, एक साम्यवादी देश में, इट इज़ द गवर्नमेंट विच ओन्स ऑल द रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। जो ऐसी कम्युनिस्ट सरकार होती हैं, उनके पास पूरे स्रोत होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं या संसाधन होते हैं, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वह सारे उसी सरकार के अंतर्गत आते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो सरकार होती है वह जितने भी प्रोडक्शन के एस्पेक्ट होते हैं उन पर नियंत्रण करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉड्स इन द कंट्री, और गॉड्स का डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे देश में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होल्ड पावर इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। जो साम्यवादी सरकार थी उसने पावर कैसी ले ली थी, शक्ति हो गई थी उसके पास सोवियत यूनियन जैसी। फॉर्मर यूगोस्लेव्स, फॉर्मर ईस्ट जर्मनी, बुल्गेरिया, हंगरी एंड कम्बोडिया, इन लोगों ने सोवियत यूनियन जैसी फॉर्मर ले ली थी। हाउ एवर विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, कोलैप्स हुई जब सोवियत यूनियन 1991 में, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज अडोप्टेड डेमोक्रेसी। तब इन जैसी कंट्रीज ने, इन सारी कंट्रीज ने क्या अडोप्ट कर लिया, लोकतंत्र को अपना लिया। एट द प्रेजेंट, वर्तमान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एग्जिट इन द कंट्रीज, जो साम्यवादी सरकार है वह कहाँ कहाँ पर है, लाइक चाइना में, चीन में, क्यूबा में एंड लोस में। इन चाइना, चाइना में द कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड्स पॉलिटिकल पावर। जो साम्यवादी पार्टी है वह क्या किए हुए हैं, राजनीतिक शक्ति पकड़े हुए हैं, उसको लिए हुए हैं। एंड डज नॉट अलाउ अदर पार्टी टू एग्जिट इन द कंट्री, और कोई दूसरी पार्टी को अलाउ नहीं करती है वहाँ पर एग्जिट करने के लिए या देश में रहने के लिए। सो इवन इफ दे कंडक्ट इलेक्शन, इसके बावजूद वह इलेक्शन तो कराते हैं, द पीपल हैव नो चॉइस बट द वोट फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन लोगों के पास सिर्फ एक ही पार्टी होती है, कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है कि वह उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सके। उनके पास केवल एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को उन्हें वोट देना पड़ता है, या उन्हें वह पसंद हो या ना हो, लेकिन उन्हें उन्हीं को वोट देना पड़ता है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड टॉपिक भी फिनिश हो गया है।